तो दोस्तों काई मास्टर से किसी भी वीडियो को एक्सपोर्ट या डाउनलोड कैसे करें? यदि आप काई मास्टर से किसी भी वीडियो को एडिट करते हैं या फोटो को एडिट करते हैं, तो यदि आपको वह वीडियो काई मास्टर से एक्सपोर्ट या डाउनलोड करने नहीं आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपको एडिट करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप एडिट कर अपने काई मास्टर में उसे सेव किए होते हैं, बल्कि उसे गैलरी में नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों कैसे लाएं, इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे कि अपने वीडियो या फोटो को कैसे एक्सपोर्ट करें काई मास्टर से या डाउनलोड करें, अपने गैलरी में उसे सेव करें फिर उसके बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है इंद्रेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल आरपी टेक्निकल नॉलेज को देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का नो ब्रेक नो फेक मिलेगा, तो बस अली परफेक्ट। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुकिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। यदि दोस्तों आप काई मास्टर से किसी भी फोटो या वीडियो को एक्सपोर्ट करना सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हमारी यह टॉपिक आपको पूरा तरह से समझ में आने वाली है। यदि दोस्तों और एक बात शेयर करना चाहते हैं हम आपसे, यदि दोस्तों आप काई मास्टर से किसी भी वीडियो को अच्छी तरह एडिट करना चाहते हैं, उसमें आप बैकग्राउंड कलर फिल्टर कलर म्यूजिक टेक्स्ट आईडियो सब अच्छी तरह से करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, पूरा फुल नॉलेज लेना चाहते हैं कि अपने YouTube वीडियो को कैसे एडिट करें या किसी भी वीडियो को, तो हमारे इस आई बटन पर क्लिक कर देख लीजिएगा, आपको पूरा फुल नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन में काई मास्टर ऐप ओपन करिएगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है यदि हमने पहली हमारी टॉपिक थी कि काई मास्टर से किसी भी वीडियो और फोटो को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है काई मास्टर आपको ऐप ओपन करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आपके मोबाइल फोन में काई मास्टर ऐप नहीं होगा तो हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप की लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप तुरंत ओपन करिएगा तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप एक क्रिएट ए न्यू कर दीजिएगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर यहाँ से फिर आपको रेशियो चूज करना होगा। रेशियो जैसे मैं यूट्यूब की ही चूज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे जिस वीडियो को आप एडिट किए हुए हैं उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेता हूँ जैसे 45 सेकंड की, मैं इस वीडियो को एडिट किया हूँ, जैसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए अपनी वीडियो को एडिट किया हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं अपनी वीडियो एडिट किया हुआ, मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे एक्सपोर्ट करने नहीं आता। तो दोस्तों आप जिस वीडियो को एडिट किए हुए हैं यहाँ से इस पर क्लिक करिएगा तो क्लिक नहीं करना होगा, बल्कि यहाँ से सही कर दीजिएगा। सही करने के बाद तो आपको कुछ नहीं करना होगा, तुरंत आप चूज करिए जगह जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। तुरंत यहाँ पर जो देखिए ऊपर वाला निशान है, यहाँ पर लेयर नहीं, मीडिया नहीं, आईडियो नहीं, आरईसी भी किसी पे भी नहीं क्लिक करना होगा, बल्कि यहाँ पर साइड में देखिए ऊपर साइड दिया है, यहाँ पर देखिए जो तीर का निशान है एरो का ऊपर गया, इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहां से तुरंत यहीं पर चाहे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक्सपोर्ट लिखा होगा तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे में तो सेव लिखा है, यहां से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपकी जो वीडियो जिसे एडिट किए हुए एक्सपोर्ट होने लगेगी। दोस्तों यही सबसे आसान तरीका है कि अपनी वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करें। दोस्तों यहाँ से आप HD या Full HD भी कर सकते हैं। दोस्तों यही सबसे आसान तरीका है। अब तो हमारी ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका बताया हूँ कि काई मास्टर में किसी भी वीडियो या फोटो को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है, फिर अपनी गैलरी में कैसे सेव किया जाता है एक्सपोर्ट करने के बाद। दोस्तों मैंने सबसे आसान तरीका आपको बता दिया। दोस्तों मेरा एक सिद्धांत होता है कि मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और वह टॉपिक कोई भी पर्सन मेरी वीडियो देखता है, मेरी वह टॉपिक उसको पूरा तरह क्लियर समझ में आ जाए, मेरा यही सिद्धांत होता है। दोस्तों यदि हमारी यह टॉपिक आपको पूरा क्लियर समझ में आ गई कि काई मास्टर से किसी भी वीडियो और फोटो को कैसे एक्सपोर्ट करें, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि दोस्तों हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुंच जाए। यदि हम YouTube पर कभी वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पहुंच जा रहा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों हमें Instagram और Facebook फॉलो करना न भूलें। यदि दोस्तों आपको काई मास्टर में इफेक्ट कहां पर होता है नहीं पता तो हमारी साइड बटन पर क्लिक कर देख लीजिएगा, आपको पूरा फुल नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।